हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है IBPS RRB ने जो है आपका मेंस का जो स्कोर कार्ड था वो आज की डेट में रिलीज़ कर दिया गया है। मैं किसी कारण से जो है वीडियो नहीं बना पाया था और मुझे इसकी सूचना मिल चुकी थी। आपका जो था स्कोर कार्ड वो सुबह ही लगभग 11 बजे के समय इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया था, पर मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं जो है आपके सामने जो ऑफिशियल कट ऑफ इन्होंने जारी की है वो मैं आपको स्टेट वाइज दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ मेरा जो स्कोर कार्ड है वो दिखाने वाला हूँ। मैं आपको देख ही रहा हुआ लिखा है जो भी है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो कितना कितना गया है किस किस कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये ऑफिशियल है बिल्कुल, ठीक है। तो EWS और जनरल वालों के लिए और बाकी SC ST OBC और PWD वालों के लिए देखिए, तो मतलब कितना जो मिनिमम एक कट ऑफ रहता है ना क्वालिफाइंग करने के लिए किसी सेक्शन को, तो वो इतना इतना गया है। रीजनिंग में 14.50, कंप्यूटर में 6, और तुम्हारा जनरल अवेयरनेस में 4.50, 11.25 इंग्लिश में गया है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गया है आपका 4.75। SC ST का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा कि आपको जो आपका स्कोर कार्ड आया है उसमें आपको इस तरीके से जो है मल्टीप्लाइंग करना है मैथ और रीजनिंग 1.25 से, और बाकी जो आपका जो आया है आपका कंप्यूटर उसको 0.50 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है स्कोर कट ऑफ दिखाता हूँ सबसे पहले, चलिए। तो देखिए, ऑफिशियल ये कट ऑफ है जो कि आपको आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पर जो आया था ना इसमें कि आपका स्कोर कार्ड आने वाला है, स्कोर कार्ड अराइव्ड करके, उस वाले सेक्शन में आपको जाके मिल जाएगा तीसरे या चौथे पे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स दी हैं, देखिए आंध्र प्रदेश दी है, अरुणाचल प्रदेश दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। एक दो स्टेट का मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं अपना ही बता देता हूँ MP का, ठीक है। MP से हूँ मैं। MP का देखिए, SC का गया है 65.13, यानी कि 65.13 गया है, और बाकी आपका ST का गया है 55, और 79.81 गया है OBC का, EWS का 82.94, और यही गया है आपका जनरल का, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए। चलिए हम मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम तो मेरे को आंध्र प्रदेश का लग रहा है जो है 72, इसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा 80 और 87, ठीक है। 80 गया है आपका महाराष्ट्र का, और 87 गया है आपका पुडुचेरी का, हिमाचल का भी 72 में देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद 80 देखिए तमिलनाडु का भी 80 है, 74 देखिए तेलंगाना, ये 80 का बता रहा हूँ मैं इनका तो, और यहाँ पर देखिए जनरल का देखिए सेम हो गया 80 और 80, ठीक है। तो मतलब किसी किसी कैटेगरी में आप देख लीजिएगा, इसको बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना। मतलब आंकड़े बना डाटा बताने में काफ़ी टाइम लगेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो चलिए मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ आखिर का, ठीक है। तो ये देखिए मेरा नाम दिख रहा होगा आपको, ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, RRB 10, ठीक है। MP से मैंने फिल किया था। यहाँ पर देखिए कितना गंदा स्कोर है, मतलब ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता यार रीजनिंग में इतने, मतलब पता नहीं यार क्या क्या हुआ है मेरे साथ रीजनिंग में। मैंने खाली पजल ही बनाए थे मैंने, वही मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैं आगे जाके देख नहीं पाया था पूरा, मतलब मेरी स्टडी पूरी ख़त्म हो गई थी, मतलब पेपर में मतलब बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ था मेरे साथ, मैं क्या बताऊँ, ठीक है जो हो गया वो गलती है, ठीक है। तो 7.50 जो है मेरे आए थे, कट ऑफ गया था 11.50, ठीक है। कंप्यूटर में ठीक ठाक आ गया 18.25, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी, पता नहीं कैसे आ गया, बाकी मैंने लगाए भी उतने ही थे, मैंने 20 या 22 लगाए थे, उतने ही आ गए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में भी मैंने 13 अटैम्प्ट किए थे, तो 11 मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदी में भी ठीक ठाक आ गए हैं, ठीक है। मैथ में देखिए 3 अटैम्प्ट किए थे मैंने, और 3 ही मुझे मार्क्स इन्होंने दिए हैं। इसको मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3.75 हो जाएगा। 3 ही अटैम्प्ट किए थे मैंने मात्र, और 3 ही मुझे नंबर मिले हैं, वो मिस्टेक जो हो गई थी मेरे, आपको वीडियो डला हुआ है देख लेना, ठीक है। तो इसको आप अगर टोटल करेंगे जो मेरा स्कोर है वो हो रहा है 54.50 करके, और कट ऑफ जो गई है 65 पॉइंट में गई है, यानी कि लगभग 11-12 नंबर जो है कट ऑफ ऊपर देखने को गई है मेरी, ठीक है। बेसिकली आपका जो ये कट ऑफ दिख रहा है ना आपको, अगर आपके इससे 5 से 10 नंबर ऊपर आ रहा है ना, तभी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि इसके बाद जो फाइनल लिस्ट आने वाली है, अगर आपके इंटरव्यू में नंबर अच्छे आते हैं तब तो आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपके इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है और यहाँ पर भी आपके जो मार्क्स है वो बाउंड्री के आसपास है, तो आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे। अगर इंटरव्यू के लिए कुछ भी गाइडेंस होगा तो मैं बताऊँगा, जो भी मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं बताऊँगा। जैसा कि आपको मालूम है 8 नवंबर को आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, IBPS ने डेट दे दी है, जब आपने रिजल्ट देखा हुआ तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।